तो आज अपन देखते हैं कि घर पे अपन कैसा मोबाइल ठीक कर सकते हैं। जैसे इसका टच काम नहीं कर रहा है, कुछ भी टच काम नहीं कर रहा है ना, तो इसको घर में आसानी से अपन इसका बैक पैनल और सामने का फ्रंट का डिस्प्ले कैसा खोल सकते हैं। जैसे घर की मतलब इक्विपमेंट से जो घर पे पड़ा हो, जैसा कि मेरे पास ये हेयर ड्रायर है ना, तो इसके थ्रू ये दोनों कैसा अपन दोनों पैनल कैसा खोल सकते हैं, आगे का टच पैनल और ये पीछे का बैक पैनल, है ना। तो एक तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एक मैंने ये लिया हुआ है, ये मतलब कपड़े का वो निकला हुआ था, तो ये क्या ये पतला है थोड़ा सा, ये डिस्प्ले और यहाँ अंदर घुस जाएगा, तो इसकी मदद से अपन निकालेंगे। तो चलो पहले अपन इसको हीट कर लेते हैं बिना देरी के। मैं थोड़ा सा पूछ कर दे रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा अच्छे से हीट करके ना मैं फिर इसे वापस स्टार्ट करूँगा, है ना। तो हो गया अभी, तो इसको अच्छे से गर्म कर लिया मैंने। तो इसको क्या है, इसको मैं ऐसा ऑन छोड़ दूँगा थोड़ा सा, और ये साइड पैनल से ऐसा हल्का सा देखना आप कि कहाँ पे होल हो रहा है ना। ये हो गया, कांच टूट गया उसका। तो थोड़ा और हीट कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ज़्यादा जोर से नहीं कर सकते ना, टूट जाएगा पैनल। जैसे ये तक खुल गया ना, तो ये बड़ा वाला डाल के इसमें आसानी से ऐसा अपन खोल सकते हैं। कैमरा बचा के ही हीट करना ना, कैमरे पे हीट नहीं करना पड़ेगा। ये खुल गया इजीली, ये रहा ये कैमरा। बैटरी, अब सामने फैन पैनल की बारी। मैं हीट करके बता रहा हूँ, हीट करके निकाल के बता रहा हूँ। तो अभी मैंने हीट कर लिया है, बट इसको हल्का सा निकालने के लिए
है ना, ये मेरे को चक्कू की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हल्का सा निकल जाए ये, ऐसा ये दिखाई दे रहा आपको, इतना तो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपन इसमें, ओह सॉरी, ये फंसा दिया है ना, इसके बाद अपन ये ऐसा ऐसा करके ऐसा करके इसके लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे पत्ता है, पत्ता बोले तो वही स्ट्रिप ये इसका, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो ना टूट जाए कहीं, नहीं तो पता चला वो अपन टच बना रहे हैं पूरा डिस्प्ले बदलना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। ये तो ये फाइनली अपने डिस्प्ले भी हो गई अलग, ये जो है ना ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये वाला कैमरा ही है वो भी फिंगरप्रिंट सेंस करता है। तो ये एलसीडी पैनल है, तो एलसीडी पैनल है तो यहाँ पे क्या है, आर पार नहीं दिख रहा, मैं फोकस करता हूँ, ये आर पार नहीं दिख रहा, नहीं तो जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है ना एमोलेड, उस पर आर पार दिखता है, ये एलसीडी है इस वजह से इस पर आर पार नहीं दिख रहा। एक हो गई ये बात, अब अपन इसको पीछे से ये सब खोलना पड़ेगा, इसके स्क्रू वगैरह ये दिख रहे हैं ना स्क्रू, तब ये पीछे का निकलेगा, तो मैं उसको खोल के आपको फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा स्क्रू नहीं है खोलने के, आप थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, तो ये फाइनल मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो यार बहुत। ये तो ये जो दिख रहा है ना ये है डिस्प्ले और टच दोनों का, ये पत्ता हमारे इधर पत्ता बोलते हैं, आपको इधर क्या बोलते हैं क्या पता, तो इसको अपन खोल लिए है ना, इसको निकाल के रख ही देता हूँ, ये है ना, तो जैसे टच अपन ने अलग किए ये धीरे से प्यार से निकाल दिया इसको, ये बाहर आ गया। अब इसको देखते हैं अगर हो सकता है तो अपन इसको साफ करके देखते हैं, यहाँ पे ये टच का यहीं पे पत्ता लगा हुआ है, इसको साफ करके देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है और अगर नहीं आता है तो फिर अपने को टच और डिस्प्ले दोनों चेंज ही करना पड़ेगा। तो हमने ये वाला हिस्सा यहाँ टच का साफ करके देखा है, ये वाला हिस्सा अब देखते हैं इसको लगा के कि काम करता या नहीं करता। कई बार क्या होता है टच में जैसे हल्का सा यहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है ना, इस वजह से भी टच काम नहीं करती। ये इसको हटा के साफ करके देखते हैं, ये लगा दिया अपन ने पत्ता कनेक्टर इसको, नहीं नहीं की काम, इसका मतलब ये है कि इसका अपना टच पैनल और ये लेके आना ही पड़ेगा तभी होगा, ये उसके बिना नहीं होगा टच चेंज किए बिना, है ना। तो मैं टच पैनल लेके आता हूँ और फिर उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ कि कैसा ये काम किया कैसा नहीं किया, है ना, और कितने का आया टच पैनल। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।